जैसे कि 11th क्लास में आपको बता रहे हैं और बता चुके हैं अकाउंटेंसी के बारे में, लेकिन अकाउंटेंसी में एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं बेसिक अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी या टर्म्स भी कहते हैं, टर्मोलॉजी भी कह सकते हैं। तो ये टर्मोलॉजी होता क्या है, यदि आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो सबसे पहले आपको उस बेसिक थॉट को जानना पड़ेगा, उस टर्म को जानना पड़ेगा जो उस कंटेंट में लिखा हुआ है। तो अकाउंटिंग के तहत या अकाउंट के तहत कुछ बेसिक टर्म होता है जो आपको उस बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड है जो आपको उसमें डिफाइन करना है। हम लोग डेली बहुत सारे वर्ड को यूज करते हैं लेकिन ये नहीं जान पाते हैं कि वो वर्ड हमारा कॉमर्स से कैसे रिलेटेड है। जैसे परचेज हो गया, सेल हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, कमीशन हो गया, रिसीवर हो गया, गिवर हो गया, बहुत सारे ऐसे डिस्काउंट हो गया, वाउचर हो गया, ड्रॉइंग हो गया, बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो हम लोग डेली यूज कर रहे हैं लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो अकाउंटिंग टर्म के तहत कैसे इंक्लूडेड है। तो आपको कुछ बेसिक टर्म बता रहे हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म के तहत सबसे पहला वर्ड होता है हमारा बिजनेस, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस। तो ये बिजनेस होता ही कैसा, तो ये जान लीजिएगा कि बिजनेस जो होता है एक ह्यूमन एक्टिविटी होता है, मतलब मानव के द्वारा जो कार्य किया जाता है, मानव के द्वारा जो कार्य कहता है वो एक बिजनेस कहलाता है। क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। इसलिए कहा गया है कि बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आप वर्क करते हैं उस वर्क के तहत, यदि आपका वह वर्क इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत होता हो या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत वर्क होता हो तो ये आपका बिजनेस कहलाता है, जिसका कहा गया बिजनेस से ह्यूमन एक्टिविटी। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत बिजनेस तभी कराता है जब मॉनेटरी सिस्टम के द्वारा ट्रांजेक्शन, क्योंकि जब मुद्रा के आधार पर आप लेन देन करते हैं, जब किसी बिजनेस को आप मनी के आधार पर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका वो बिजनेस कहलाता है। और बिजनेस को तीन लेवल बांटा गया है, एक खुद का बिजनेस होता है, एक प्रोफेशन होता है और एक एम्प्लॉयमेंट होता है। तो जैसा कि बिजनेस जानते हैं कि ट्रांजेक्शन वर्क होता है, उस ट्रांजेक्शन वर्क में हम यूज करते हैं बिजनेस को, उस लेन देन में हम लोग मनी को यूज करते हैं। दूसरा होता है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी विशेष योग्यता को प्राप्त करके उस योग्यता के द्वारा अर्न करता है, इनकम करता है पैसा, तो वो उसके लिए प्रोफेशन कहलाता है, जैसे डॉक्टर, टीचर, वकील एक्सेट्रा। तीसरा होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर कार्य करता है और कार्य करने के पश्चात जब वह वेजेस या सैलरी प्राप्त करता है तो उसका वह एम्प्लॉयमेंट कहलाता है, मतलब रोजगार कहलाता है। तो ये होता है बिजनेस। दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बिजनेस का ही पार्ट होता है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इस एक्टिविटी के तहत केवल हम समाज के विकास के लिए ही वर्क करते हैं, इस वर्क के तहत केवल हम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं तो हमारे ये बिजनेस कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारे बिजनेस कहलाता है। अब आपका इसके तहत पहला कंटेंट बताएं, आपको बिजनेस के तहत पहला आपको बताएं बिजनेस के तहत। दूसरा हमारा होता है आपका कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल होता है स्टार्टेड बिजनेस, मतलब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने, के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपके लिए कैपिटल। और कैपिटल का मतलब होता है हमारा एसेट्स माइनस लायबिलिटी। जैसा कि हमने बताया आपको बिजनेस के बारे में, अभी आपको बताया बिजनेस के बारे में, आपको बताया बिजनेस के बारे में कि बिजनेस इज ए ह्यूमन एंड बिजनेस इज ए ह्यूमन एक्टिविटी, इट मीन्स इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा आपको बताया कैपिटल के बारे में। कैपिटल तो होता है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा कैपिटल होता है। और कैपिटल का मतलब होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तीसरा हमारा होता है प्रोप्राइटर, जिसको हम ऑनर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोप्राइटर होता है कि जो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यदि उस बिजनेस के आप मालिक हैं, उस बिजनेस के ऑथर आप हैं, उस बिजनेस के स्टार्ट करने वाले आप ही हैं, तो उस बिजनेस के प्रोप्राइटर मतलब मालिक जो है वो प्रोप्राइटर कहलाता है, मतलब एक ऑनरशिप कहलाता है जिसकी बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं।
तो ये हो गया टी-शर्ट। अगला टॉपिक होता है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग मतलब तो होता है विड्रॉ करना, मतलब कह सकते हैं कि किसी भी गुड्स को जब आप पर्सनल यूज करते हैं, किसी भी गुड्स को जब आप पर्सनल यूज में लाते हैं तो आपका वो ड्राइंग कहलाता है। क्या कहलाता है सर? ड्राइंग। मान लीजिए आपका एक शॉप है और शॉप में आप गुड्स को बेचते हैं, तो बेचने के बाद जो अर्थ कर रहे हैं वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा, लेकिन यदि खुद यूज करते हैं गुड्स को तो आपका वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मतलब किसी भी गुड्स को यदि पर्सनल यूज करते हैं, खुद यूज करते हैं, तो आपका वो ड्राइंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्राइंग। इसलिए ड्राइंग कहा जाता है विड्रॉ, पर्सनल यूज, मतलब पर्सनल यूज करते हैं तो आपका ड्राइंग कहलाएगा। अगला हमारा कहलाता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है आप सब जानते हैं ट्रांजेक्शन दो वे में होता है, एक होता है कैश ट्रांजेक्शन और एक होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यदि आप बिजनेस के बारे में, प्रोपर्टी के बारे में, कैपिटल के बारे में, ड्राइंग के बारे में, बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में, तो ये आपको पता है कि ट्रांजेक्शन जो होता है वो बेसिकली दो बेसिस पे होता है, एक होता है कैश ट्रांजेक्शन और एक होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो कैश ट्रांजेक्शन नाम से स्पष्ट है कि कोई भी लेन देन यदि हम नगद में करते हैं तो हमारा वो कैश ट्रांजेक्शन होता है। क्या होता है सर? कैश ट्रांजेक्शन। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो होता है वो ट्रांजेक्शन होता है जब हम उधार लेन देन करते हैं तो हमारा वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगला हमारा टॉपिक है अकाउंट। बेसिकली ये अकाउंट होता है कैसे, तो आप जान लीजिए अकाउंट जो होता है एक रूल और रेगुलेशन होता है, एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है जिसके तहत बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होता है, बिजनेस में जो भी लेन देन होता है, जो भी कहते हैं कि जो भी लेन देन होता है उस लेन देन के तहत जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं वो सारा का सारा होता है अकाउंट। मतलब अकाउंट जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसके तहत बिजनेसमैन बिजनेस में होने वाले वर्क को, बिजनेस में होने वाले लेन देन को उस सिस्टम से लिखते हैं, ठीक है। तो अकाउंट क्या होता है? अब हम लोग बड़ा एक डेबिट है, क्रेडिट है। डेबिट मीन क्या होता है सर? डेबिट जो होता है ये एक प्रकार का देनदार होता है। इसका मतलब होता है कि यदि आप, यदि हम कंज्यूमर है और हम किसी दुकानदार से, किसी सेलर से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए हम डेबिटर कराएंगे, क्योंकि जब तक हम उस गुड्स का पेमेंट नहीं करते हैं तब तक हम उसके लिए डेबिटर कराएंगे, और वो दुकानदार जो है वो एक तरह से क्रेडिटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। मतलब कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर होता है वो डेटर होता है और बिजनेस का जो ऑनर होता है वो हमारा क्रेडिटर होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगला होता है गुड्स। गुड्स क्या होता है? गुड्स मतलब होता है कि प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को जब आप परचेज करते हैं, किसी भी गुड्स को जब आप अपनी यूटिलाइज के लिए, अपनी नीड को पूरा करने के लिए जब उसको परचेज करते हैं तो वो हमारा वो आइटम्स हमारे क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा, जिसको हम परचेज भी कहते हैं। परचेज होता है कि उस गुड्स को अपने यूटिलाइज के लिए, अपनी नीड को पूरा करने के लिए जब उसको हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा? परचेज कहलाएगा। अगला होता है सेल। सेल मतलब होता है कि जो भी गुड्स होता है उसको टाइम टू टाइम यदि सेलर के द्वारा बेचने का कहता है तो हमारा वो सेल कहलाता है। अगला होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न होता है क्या सर? परचेज रिटर्न होता है कि जो भी गुड्स आप परचेज करते हैं, जो भी गुड्स आप परचेज करते हैं उसको यदि आप वापस करते हैं परचेज करने के बाद, तो हमारा वो परचेज रिटर्न कहलाता है, जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। उसके बाद हमारा कंडीशन है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न जो होता है ये सेल का अपोजिट होता है, जिसको हम रिटर्न इनवर्ट भी कहते हैं। रिटर्न इनवर्ट क्या होता है? जो भी गुड्स आप सेल कर देते हैं उस सेल करने के पश्चात यदि उसको वापस आप लेते हैं तो हमारा क्या रहता है? सेल्स रिटर्न। अब बेसिकली जब हम लोग कैपिटल पढ़ते हैं तो कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जहां तक हम जानते हैं कि कैपिटल का फॉर्मूला होता है हमारा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो ये जान लीजिएगा ये एसेट्स होता क्या है। एसेट्स मतलब होता है एसेट्स होता है, उसका मतलब होता है कि किसी भी गुड्स को आप खुद यूज करते हैं या किसी भी संपत्ति को, किसी भी एसेट को जब आप पर्सनल यूज में करते हैं या जिसके ऑनर आप खुद हैं वो आपका एसेट कहलाता है। एसेट्स को डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। वो कैटेगरी क्या है बता रहे हैं सर आपको?
तो एसिड जो होता है हमारा, बेसिकली एसिड जो होता है हमारा वो हमारा फाइव टाइप्स का होता है। एसिड जो होता है हमारा फाइव टाइप्स का होता है। अब वो टाइप्स होता क्या है? एसिड जो होता है उसमें पहला एसिड होता है फिक्स एसिड। क्या होता है सर? फिक्स एसिड। तो फिक्स एसिड मतलब होता है अस्थाई संपत्ति। क्या होता है सर? अस्थाई संपत्ति। अस्थाई संपत्ति जो होता है कि किसी भी संपत्ति को मोर देन वन ईयर, एक साल से अधिक आप यूज करते हैं, किसी भी संपत्ति को यदि आप एक साल से अधिक यूज करते हैं तो आपके लिए वो फिक्स एसेट कहलाता है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर कार, यहाँ लिखा हुआ है सर देखेंगे, फर्नीचर, इक्विपमेंट, प्लांट, प्रॉपर्टी, एक्युमुलेटेड, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? फिक्स एसेट, जिसको आप मोर देन वन ईयर, एक साल से अधिक यूज करते हैं तो आपका फिक्स। दूसरा होता है करंट एसेट। क्या होता है सर? दूसरा होता है आपका करंट एसेट। करंट एसेट होता है कैसे? करंट एसेट होता है कि यूटिलाइज्ड टू वन ईयर, मतलब किसी भी एसेट को, किसी भी संपत्ति को यदि आप एक साल यूज कर रहे हैं तो आपके लिए वो करंट एसेट होता है। क्या होता है सर? करंट एसेट होता है। ताकि ये करंट एसेट होता कैसे? जिसमें कैश इन हैंड होता है, कैश एट बैंक होता है, बिल रिसीवेबल होता है, डेटर होता है, एडवांस होता है, प्रीपेड होता है, स्टॉक होता है, एक्यूरेट इनकम होता है। तो ये सब आइटम्स जो होते हैं ये हमारा क्या होता है? करंट एसेट होता है। तीसरा जो होता है वो होता है हम लोग का वेस्टिंग एसेट। तीसरा एसेट जो होता है वो क्या होता है सर? वेस्टिंग एसेट। ये वेस्टिंग एसेट होता है कैसा? वेस्टिंग एसेट होता है वैसा संपत्ति, वैसा संपत्ति जिसको आप एक लिमिट टाइम तक, एक सीमित समय तक यूज करते हैं, फिर वो बेकार हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल होता है कोल माइंस, वाइल्ड लिप्स, ब्रिक्स, मतलब कोयला खदान कर सकते हैं, ईंट भट्टा कर सकते हैं या तेल कुआं कर सकते हैं, मतलब वो सब एसेट्स जो होता है, इन एसेट्स को यूज करने के पश्चात उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। वेस्टिंग एसेट्स के बाद अगला होता है हमारा ट्रांजिबल एसेट्स। ट्रांजिबल एसेट जो होता है जिसको हम कहते हैं मूर्त संपत्ति। क्या कहते हैं? तो ट्रांजिबल एसेट इज कोरिलेटेड टू फिक्स एसेट। ट्रांजिबल एसेट जो होता है वो एक फिक्स एसेट होता है, कहने मतलब जो भी फिक्स एसेट होता है जिसका आप मोर देन वन ईयर यूज कर रहे हैं, एक साल से अधिक, वो आपके लिए फिक्स एसेट ही कहलाता है, जिसको हम ट्रांजिबल एसेट कहते हैं। ट्रांजिबल एसेट जो होता है जिसको हम केवल छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो हमारा ट्रांजिबल होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो एसेट होता है जिसका नाम होता है इनट्रांजिबल, वैसा संपत्ति जिसको हम केवल फील करते हैं, केवल महसूस करते हैं। मतलब अगर बिजनेस में इंट्रांजिबल एसेट्स नहीं होगा, यदि बिजनेस में हमारा इंट्रांजिबल एसेट नहीं होगा तो हमारे लिए वो कैसा बिजनेस नहीं है, क्योंकि इंट्रांजिबल एसेट जो होता है वो बिजनेस को ग्रोथ करने में सहायक होता है। जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, एक्सेट्रा, मतलब वो एसेट जो बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है, मदद करता है, वो एक इंट्रांजिबल एसेट होता है। लेकिन ये जो एसेट होता है, ये सारा एसेट होता है, ये सारा एसेट का ही पार्ट होता है। क्या पार्ट होता है? एसेट का पार्ट। अगला हम बताने वाले हैं नहीं, वो आपके लिए लैबडीज कहलाता है। क्या कहलाता है? लैबडीज कहलाता है। लैबडीज भी दो प्रकार का होता है, एक होता है फिक्स लैबडीज और एक होता है करंट लैबडीज। फिक्स लैबडीज होता क्या है? यदि आप बैंक से लोन लिए हैं
तो लोन लेने के बाद यदि आप उसका पेमेंट एक साल के बाद करते हैं, मतलब मोर देन वन ईयर एक साल के बाद करते हैं, तो आपके लिए कहलाता है फिक्स लैंड। क्या कहलाता है सर? वो आपके लिए कहलाएगा फिक्स लैंड। क्या कहलाएगा सर? फिक्स लैंड। और एक होता है करंट लैंड। क्या होता है सर? करंट लैंड। आखिर ये करंट लैंड होता क्या है? करंट लैंड होता है वैसा दायित्व, वैसा कर्ज जिसका आप वन ईयर के तहत पेमेंट कर रहे हैं, जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल और बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये सब हमारे क्या होता है? करंट लायबिलिटी होता है। इस टॉपिक के बाद हमारे एक टॉपिक होता है एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस होता क्या है? एक्सपेंसेस होता है जिसको हम खर्च करते हैं। एक्सपेंसेस होता है इसको हम खर्च करते हैं। ये खर्च होता क्या है? खर्च होता होता है कि यदि मान लीजिए किसी गुड्स को आप परचेस किए 10,000 में, लेकिन उसको लाने में आपको 1,000 एक्स्ट्रा आपको देना पड़ रहा है, तो 1,000 जो एक्स्ट्रा पे करने वो आपके लिए खर्च कराएगा, क्योंकि उसी एक्सपेंसेस के पश्चात आप गुड्स को अपने यहाँ ड्रेस कर सकते हैं या अपने पास ला सकते हैं। तो एक्सपेंसेस दो प्रकार का होता है। एक्सपेंसेस आपका बेसिकली दो होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। जितना भी एक्सपेंसेस होता है ये सारा आपका डेबिट होता है। जितना भी एक्सपेंस होता है ये क्या होता है सर? डायरेक्ट डेबिट होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष खर्च, और इनडायरेक्ट जो होता है जिसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष खर्च। आखिर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है? डायरेक्ट मतलब होता है कि किसी भी एक्सपेंसेस को यदि आप हैंड टू हैंड कर रहे हैं, यदि कोई भी खर्च आप हाथ टू हाथ कर रहे हैं, तो आपका वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायरेक्ट। जैसे वेजेस, जैसे कैरेज, जैसे कैरेज इनवर्ड, जैसे ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जैसे ड्रग चार्जेस, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी, जैसे कस्टम ड्यूटी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। कहने मतलब वेजेस सैलरी, वैसा खर्च जो आप हाथों हाथ खर्च करते हैं वो आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। अगला होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता कैसे? तो नाम में ये है इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट नहीं है, जो डायरेक्ट नहीं है, जैसे सैलरी, रेंट, डिस्काउंट, जैसे सैलरी, सैलरी, रेंट, डिस्काउंट, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, एडवर्टाइजमेंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डिस्काउंट एटसेट्रा। कहने मतलब वैसा खर्च जो हैंड टू हैंड ना होकर इनडायरेक्टली पे करते हैं वो आपके लिए क्या करता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इन एक्सपेंसेस को हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये भी हमारा एक्सपेंसेस का ही एक पार्ट होता है। तो इस एक्सपेंसेस को हमेशा हम डेबिट करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि जितना भी हमारे लिए एसेट्स है, जितना भी हमारा एसेट्स है वो सारा डेबिट होता है, और जितना भी लायबिलिटी होता है हमारे का क्रेडिट। यदि आप इसको आप समझते हैं तो आपको एंट्री करने में, बेसिक टर्म जानने में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के लिए एक बेसिक टर्म को जानना बहुत जरूरी है। यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं तो आपको समस्या होगी। तो जो भी आपको बेसिक टर्म बताए हैं इसको आप ध्यान से देखिए, आपको समस्या नहीं। और टर्म्स है जो आपको धीरे धीरे बताएंगे, इसको नोट डाउन करेंगे और देखेंगे।